हाय आज हम लोग बात करेंगे फियर ऑफ़ फेलियर के बारे में फियर ऑफ़ फेलियर एक ऐसा टर्म है या फिर हाउ डू वी हैंडल फेलियर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है टर्म है एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में वी डोंट टॉक इनफ एंड वी डोंट टॉक इन द राइट मैनर पाँच मिनट के लिए अपने बचपन में जाके देखो लेट्स गो बैक टू द चाइल्ड जब मैं छोटा था आई यूज टू मेरी स्कूल में रोज़ पिटाई होती थी टीचर्स के थ्रू क्योंकि मैं काम में अच्छा नहीं था पढ़ाई में अच्छा नहीं था जब मैं घर आता था खेलने जाता था कहीं ना कहीं मैं कूट के आता था कहीं ना कहीं चोट लग के आता था और जब ऐसा होता था तो घर में पिटाई होती थी दिस वॉज अ डेली अफेयर अब अगर ये सोचो कि ये अब तुम्हारी यूथ में हो रहा होता था तो तुम क्या करते तुम सोचने बैठ जाते यार आई एम सच अ बिग फेलियर इन लाइफ मेरी टीचर मेरे को ऐसा बोल रही है यू आर नो बडी यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग थिंग्स तुम्हें पढ़ना नहीं आता है कुटाई हो रही है तुम्हारी ठीक है ना खेलने जा रहे हो तो वहाँ यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म वेल मुझे तो आज फुटबॉल में दो गोल करने चाहिए थे या फिर मैं गोल कीपर था एक भी गोल नहीं सेव कर पाया वाट एम आई डूइंग विद माई लाइफ आई एम हैडिंग टू नो ऐसे सारे क्वेश्चन जब स्टार्ट होने लगते हैं एंड वैन दे डोंट एंड एंड वैन यू स्टार्ट डाउट इंग योर सेल्फ वो आपको पुश करता है फेलियर की तरफ या फिर फियर ऑफ फेलियर की तरफ फेलियर तो हमारे साथ रोज होता है बट वी नेवर हैड अ फीयर ऑफ फेलियर एंड वी नेवर थॉट अबाउट थॉट अबाउट हाउ टू हैंडल फेलियर हम लोग सोचते ही नहीं थे हम लोग को लगता था ये तो नॉर्मल पार्ट है लाइफ का बट अभी क्या हो गया है बिकॉज ऑफ अ वेरी कॉन्शियस सोसाइटी बिकॉज ऑफ अ वेरी कॉन्शियस आर सेल्वस हम खुद ही इतने ज़्यादा कॉन्शियस हैं खुद को लेके कि यार वॉट एम आई डूइंग विद माई लाइफ आई वॉन्ट टू बी परफेक्ट मैंने सोचा था ऐसा 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 करूँगा अभी तो कुछ नहीं हुआ है

इंस्टाग्राम फेसबुक जहाँ पे आप दूसरों को देखते हैं और आप सोचते हैं यार इसके पास तो सब कुछ है मेरे पास तो ये सब नहीं है अ पर्सन विद सिक्स पैक एब्स अ गर्ल विद द परफेक्ट हेयर विद द परफेक्ट यू नो फेस विद द परफेक्ट यू नो स्किन बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं एक्सटर्नल uh, जो हम सोचते रहते हैं कि यार ये हमारे पास नहीं है अनदर फ्रेंड विद द परफेक्ट जॉब अकॉर्डिंग टू अस राइट सो ऑल दीज थिंग्स कि पुशिंग अस इन टू द फ़ियर ऑफ फेलियर हम फिर डरने लगते हैं फेलियर से कि यार अब ये नहीं हुआ तो क्या होगा वॉट विल आई डू विद माई लाइफ आई विल बी लेफ्ट नो वेयर तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि फेलियर जो है ये एक एबनॉर्मल चीज़ नहीं है दिस इज़ अ वेरी नॉर्मल फिनिना विच यूश टू हैपन विद ऑल ऑफ आस वेन वी आर किड्स विच शुड हैपन वेन वी आर नॉट किड्स एनी मोर एंड इट हैपन्स विद एवरी वन यू आर नॉट यूनिक इन दिस Uh, सब के साथ होता है सबको लगता है कि बस मेरे ही साथ हो रहा है मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और सबकी लाइफ तो बहुत सही है बट द रियलिटी इज़ कि सबके साथ ही होता है ओके okay? अब आप घर पे बैठे हो तो घर से बाहर निकलना तो बंद नहीं कर दोगे ना ये सोच के कि बाहर जाऊँगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा इवन वेन यू नो दैट यू माइट गेर इन टू एन एक्सीडेंट यू माइट ब्रेक योर लेग्स यू विल स्टिल गो आउट ट्रिप पे जाते हो ना इवन वेन योर पेरेंट्स कीप टेलिंग यू कार से मत जाओ ट्रेन समझ से जाओ सेफ़ नहीं है एक्स वाई जी यू स्टिल डू इट वाई बिकॉज यूर नॉट अफरेड ऑफ इट यू वॉन्ट टू एक्सपेरिमेंट एंड सी इवन इफ दिनारी कोच इज़ द मोस्ट चैलेंजेस टू यू आपको सबसे ज़्यादा चैलेंजेस भी पोज करता है तब भी आप बोलते हो कि नहीं मैं करूँगा ओके लेट मी ट्राई इट आउट तो यहाँ पर भी यही है यू डोंट हैव टू बी फीयरफुल ऑफ फेलियर आपको ट्राई करना है ट्राई करिए ठीक है ना एक और बात मैं बताना चाहूँगा सबसे ज़्यादा फेयर ऑफ़ फेलियर कहाँ से इमिनेट होता है कि मुझे सरकारी जॉब नहीं मिली गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली आई वॉन्टिड टू डू दिस एंड आई डिड नॉट गेट इट लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली गेटिंग अ सरकारी जॉब इज़ नॉट दी एंड आप उनसे पूछिए जिनकी सरकारी जॉब लग गई है दे विल टेल यू दैट इट इज़ नॉट दी एंड इट इज़ जस्ट स्टार्टिंग तो जिनकी लग गई है उनको रियलाइजेशन लगने के बाद होता है तो क्यों ना वो रियलाइजेशन लगने से पहले ही कर लिया जाए कि भाई आ, ये ज़रूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी लग गई तो फिर सब कुछ हो गया बहुत सारी चीज़ें हैं और करने के लिए लाइफ में और कई बार नहीं भी लगती है नहीं होता है सिलेक्शन दैट इज़ इन फैक्ट अ बेटर आउटकम आपको बाद में रियलाइज़ होगा कि यार ये अच्छा हुआ ये नहीं हुआ और अच्छा नहीं भी होता है द वर्ल्ड डज नॉट एंड ठीक है ना? वो बस एक छोटा सा स्टेपिंग स्टोन है एक एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा है वो मैं आपको दे देता हूँ तो जब नॉर्मली हम स्टूडेंट्स होते हैं कॉलेज में स्कूल में तो हम सोचते हैं यार ये वाली लड़की पढ़ जाए तो मज़ा आ जाएगा ये वाला लड़का पढ़ जाए तो मजा आ जाएगा एंड वी आई डेट हर एंड आई मैरी हर एंड आई लिव हर आई बी सो हैप्पी विद हर दैट्स व्हाट वी थिंक सो वीट डेटिंग समाइन सम वन वी हैव क्रश वीट डेटिंग सम एंड देन वी गेट मैरिड इन दन आफ्टर मैरिज वी रियलाइज कि यार हमने अपने दिमाग में कुछ और ही दुनिया बना रखी थी दिस इज़ कंप्लीटली डिफरेंट बिकॉज ऑफकोर्स इट हैज लाइफ हैज़ इट्स ओन चैलेंजेज एंड द प्रॉब्लम इज वी आर ट्राइंग टू कम टू एन एंड कि शादी हो जाएगी तो एवरी थिंग विल बी परफेक्ट वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अनेरियो हाइपोथेटिकल सिचुएशन जहाँ पर हम सोच रहे हैं कि बस ये हो जाए उसके बाद लाइफ सेट है जो कि कभी हो नहीं सकता आपकी जॉब लग जाएगी आप ये सोचोगे बस ये जॉब लग जाए उसके बाद लाइफ सेट है लग जाएगी उसके बाद सोचोगे भाई सोचा क्या था हो क्या रहा है द सेम गोज़ एवरीवेयर प्रोफेशनली पर्सनली अगर आप ये सोचने लोगे कि ये हो जाए बस उसके बाद लाइफ सेट है तो फिर आपके चैलेंजेस तो खत्म होंगे ही नहीं बट आप हमेशा निराश ही रहोगे यू विल ऑलवेज बी डिसअपॉइंटेड विद लाइफ वहाँ पे फियर शुरू हो जाएगा फेलियर का कि यार अब फेल हो गया तो क्या होगा इतने मेहनत करी थी सोचा था ये हो जाएगा तो लाइफ सेट हो जाएगी अब फेल हो गया तो आई विल हैव नथिंग इन माई हैंड्स तो इसलिए कंक्लूजन ये है कि फेलियर को एक नॉर्मल लाइफ का पार्ट लेके चलो ये मत सोचो कि फेल हो गए तो बहुत बड़ा गुनाह कर दिया डन समो ग्रॉसली रॉन्ग ऐसा नहीं सोचना है और अपनी तैयारी करते रहो इफ नॉट दिस दैन समथिंग एल्स यू जस्ट गिव यू बेस्ट दैन यू नो लीव एवरी थिंग एल्स टू गॉड ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है अपना बेस्ट देना है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सेप्ट फेलियर इवन इवन बिफोर इट कम्स एंड स्ट्राइक्स यू कि हाँ हो सकता है कि सेलेक्शन ना हो ईवन आफ्टर गिविंग माई बेस्ट बट आई हैव टू एंड आई कैन ओनली फोकस ऑन गिविंग माई बेस्ट इवन दैन आई माइट आई माइट फेल पर इट डजेंट मैटर आई 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 नॉट बी बॉक डाउन मैं फिर से खड़ाओं के फिर से ट्राई करूँगा कुछ और करूंगा आई लास्ट माई सेल्फ वॉट इज अबाउट ऑफ द प्रॉब्लम्स गलती क्या करी कहाँ पे मिस्टेक करेंगे आई पोज क्वेश्चन टू माई सेल्फ ठीक तो ये सारी एटीट्यूड में चेंज लाओगे तो फेलियर से जो फियर है वो निकल जाएगा एंड यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड हाउ टू हैंडल फेलियर बेटर ठीक है तो आई होप uh, ये छोटे से ज्ञान के साथ आपको थोड़ा सा और बेटर लगेगा एंड यू विल प्रोबेबली अंडरस्टैंड हाउ टू हैंडल फेलियर बेटर हाउ टू लीड अ मोर हैप्पी लाइफ एंड हाउ टू बी मोर सक्सेसफुल इन लाइफ इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट्स यू कैन कॉन्टैक्ट में वाई अर कॉमेंट्स नीचे कॉमेंट में डाल सकते हो जो भी आपको चाहिए कि मैं डी कोड करने की कोशिश करूँ या फिर आपको लगता है कि दे माइट भी सम द प पर प पर प पर प पर प परेक्टिव टू दिस द फेयर ऑफ फेलियर एंड हाउ टू हैंडल फेलियर यू कैन पब्ली टाइप इट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो आई विल भी हैप्पी टू डिस्कस इट ऑल द बेस्ट केयस टेक केयर बाय बाय जय हिंद